भाई तो अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। भाई मैं भी सर इसका नंबर प्लेट का फाइन करो गाड़ी दाढ़ी दाढ़ी नहीं कुछ बंद करना, बंद होगा ही नहीं ये। नहीं जो सॉरी मांगेगा आपसे आप उसका चालान माफ करेंगे। चलो बताना भी है हमारा काम, ऐसा नहीं है सर। मैं केड़ी मीडिया नहीं करना भाई, केड़ी मीडिया ना, मीडिया दिखाना है यार, मीडिया तो सारे कार्ड दिखाना है यार, दिखाना है मोबाइल पे, प्लीज यार प्लीज मोबाइल पे चल रहा है, मोबाइल पे फॉलो करके नहीं चलना। भाई मैंने गलती मान ली ना, मैंने कहा अब वीडियो मत डालना। आज जम्मू के बीसी रोड में स्पेशल ड्राइव जो थी वो चलाएगी और जीसी थापा जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके द्वारा कई सारा जो परिवर्तन है वो किया गया है और आज सरकारी गाड़ियों को भी रोका गया और ये भी देखा गया कि जो सरकारी मुलाजिम उस गाड़ी में जाते हैं अगर उनके द्वारा रूल को वायलेट किया जा रहा है तो उनको समझाया गया। हालांकि उसमें ये भी देखने को मिला कि जिसने सॉरी बोली, अपनी गलती मानी, उसको जाने दिया गया, उसको एक वार्निंग दी गई। वहीं एक ऐसी गाड़ी को पकड़ा जिसमें से ये भी कहा गया कि वीडियो को डिलीट करो, वीडियो मत बनाओ, क्योंकि रूल और रेगुलेशन जब सिखाए गए और कैमरे में जब वो कैद हुए तो पता नहीं क्यों ऐसा कहने पर एक व्यक्ति मजबूर हो गया। उसकी वीडियो देखिए किस तरह फ्रस्ट्रेशन के बीच में है। हमारा कैमरा छीनने की कोशिश कर रहा था, मेरे कैमरामैन अभिषेक का कैमरा उसने 3 दफ़ा 4 दफ़ा छीनने की कोशिश की, लेकिन हमारा काम है सच्चाई को दिखाना तो हम भी वही दिखा रहे थे। और अगर वीडियो अगर उन्होंने रूल को वायलेट किया, सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और वो वीडियो अगर कैद हो गई तो फिर ना जाने क्यों इस तरह की तकलीफ हो गई। क्या जो रूल रेगुलेशन है वो आम आदमी के लिए हैं? सरकारी मुलाजिम अगर जाते हैं वो भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको भी रूल को पूरी तरह से फॉलो करना है। देखिए इस वीडियो अभी पेशेंट थोड़ा ना कोई साथ में, पेशेंट नहीं ना कोई साथ में, सीट बेल्ट डालनी चाहिए ना, गाड़ी सुधारी है ड्राइव में, ये डालना चाहिए सीट बेल्ट, आपका काम है डालना, जब पेशेंट्स को लेकर जाते हो इमरजेंसी में तब भी लगानी है, जरूरी है नहीं? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, जब भी गाड़ी पर बैठ गए ना तो सीट बेल्ट डालना जरूरी है, ठीक है ना। यदि आप एम्बुलेंस में है तो आप सभी मरीजों का आपके साथ सभी सीट बेल्ट डाला है ना, आप ड्राइवर की अपनी सेफ्टी डालो सीट बेल्ट। हमारे से सारी कोई मांग नहीं, प्रेस वाले भी है सर, मांगो इनसे मांग लो सारी, नहीं नहीं मैं तेरी मांग लू ना, सही बात है, लोग फिर हमें बोलते हैं ना, ये बात सही है, बात ही क्या 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 सीट बेल्ट लगाना जरूरी नहीं है? जरूरी है सरकारी गाड़ी में आप जा रहे हैं, अगर आप ही रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कौन को? जरूरी है, जरूरी है सारी सारी सर, ये जरूरी बात है, मैं सर से कह रहा हूँ। है किस डिपार्टमेंट की गाड़ी है सर? किस डिपार्टमेंट की गाड़ी है? सीएपीडी। सॉरी सर, मैं क्योंकि अगर आप जो हैं सरकारी डिपार्टमेंट के, सही बात है, सही बात है, कैसे चलेगा? सही बात है, सही बात है, ये कि मैं यहाँ पे परदेसी हूँ, अब मुझे वापस जाना है दिल्ली 4-5 दिन के बाद, तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कहीं और चालान ना हो जाए, क्योंकि यहाँ के नियम नहीं पता मेरे को, मैं बस यही रिक्वेस्ट। नियम तो ऑल ओवर इंडिया एक ही है, नहीं आईएनडी है, गाड़ी 2010 की है, तब से मैं गया नहीं। जो दिल्ली के बीच में रूल्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये
नोटिस किया कि ये कह रहे कि यहाँ के नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, यहाँ के नंबर पे। अगर मैं दिल्ली वाला हूँ तो गाड़ी मुझे यहाँ पे। एट प्रेजेंट आप कहाँ पे रिजाइड करते हैं? एट प्रेजेंट मैं एक महीने के लिए यहाँ पे आया हूँ, फैमिली के साथ आया हूँ। यहाँ पे बत्रा में इलाज के लिए आया हूँ, तो मेरा यही रिक्वेस्ट था कि चालान मेरा हो गया, तो मैं कह रहा हूँ कहीं और ना हो जाए, किसी और मोड पे ना हो जाए। तो आज मेरा पहला दिन है, तो मुझे पता नहीं था कि जाना कहाँ से आना कहाँ से। आप चाहते हैं कि आप क्या चीज चाहते हैं कि चालान तो आपका हो गया? चालान है कि आप देखिए मेरा, मैं वही आप मेरी गाड़ी की ओर कीजिए, ये मेरा नंबर प्लेट जो दिल्ली में चेंज होना है, बिल्कुल यहाँ तो होना नहीं। बिल्कुल अब मुझे दिल्ली जाना है, एक महीने बाद कल नहीं जाना है, अब मुझे ये करना है चेंज। दैट आई अंडरस्टैंड, यहाँ का रूल है, नियम है, लेकिन मैं कल क्या करूँ, परसों क्या करूँ? अब मैं गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करूँ कि इलाज करूँ, कितना बता दें सर? इसके लिए कुछ बताएंगे आप? उसके लिए कुछ बताएंगे आप? मैंने उनको बताया है कि मैंने बड़े प्यार से समझाया जी, जी जो इन्होंने पूछा मैंने इनको पूरा बता दिया है जी। अब इनका जब आपने इधर रहना है ना, आपका चलान नहीं होगा, क्योंकि इधर सुनो ये जो मैंने चलान दिया है ना, वही आप जाके नंबर प्लेट लगवा लेना, वहाँ दिल्ली की लगवा लेना, हाईस्कूल की नंबर प्लेट, ठीक है? अभी आपको नहीं पता था आपका चलान हो गया है यहाँ, अगर कोई पूछेगा बोला मेरा चलान हो गया, मैंने वापस जाना है, वहाँ जाकर नंबर लगवा लेना, कोई इशू नहीं है। यानी अब आगे अगले दिनों इनका चलान नहीं है? नहीं नहीं, अभी कोई भी हम ट्रैफिक वाले अगर कोई किसी को देते हैं, ऐसा नहीं है कि आए चलान किए कल फिर कर देंगे जी। मैंने उनको बता दिया, मैं आपका फोन नंबर भी दे देता हूँ। लेकिन देखिए देखिए, अब सवाल तो ये उठता है ना कि जिस तरह अगर रूल है या जिस तरह अगर कोई ऐसा क्लॉज आया है जिसमें ये बताया है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 10 साल से ज्यादा है, इसी तरह का बता दिया है, अगर वो रहे तो किस तरह से बता दिया है? तो अगर मुझे अगले मोड पे कोई और बता दे, मुझे चेक है वो किस तरह से बता दे। जो पूछा मैंने बता दिया, ये भी देखा आज हमने, आपने जो ड्राइव चलाई है, जो सॉरी मांगेगा आपसे आप उसका चालान माफ करेंगे? चलो बताना भी है हमारा काम, ऐसा नहीं है, अगर बताना भी है यही कहना है कि ये जो चालान है, टाइम होता है, हम टाइम भी देते हैं, चालान जो है जेन्युइन है, नंबर प्लेट पे चालान है जो ये गाड़ी का नंबर प्लेट का नंबर प्लेट पे चालान हुआ था, इसलिए इंशाल्लाह कल मैं नंबर प्लेट यहाँ से लगाऊंगा, एक महीने बाद जाने वाला हूँ। लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए तो दिल्ली में भी चालान होगा ना आपका? वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपने वहाँ पे नहीं लगाई होगी तो ठीक है, चालान मेरा होना है ना, तो मैं कहाँ पे ये रिप्लेस करूँ, दिल्ली में करूँ कि यहाँ पे करूँ? नंबर प्लेट कहाँ करना चाहिए? लेकिन अगर आप गाड़ी रोड पे चला रहे हैं जी, तो एक मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि अगर आपको गाड़ी चलानी है तो उसके बीच में आपको आईएनटी प्लेट लगानी है। कहाँ पे चेंज? हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी है आपको, तो दिल्ली में ही करवानी चाहिए। दिल्ली में करवानी है ना चेंज, तो मैं क्या करूँ अभी, दिल्ली जाऊँ कि ये करूँ? कम से कम टाइम तो दीजिए ना इस चीज को करने के लिए। अब हमारा सवाल आपसे ये है कि दिल्ली के बीच में क्या इस तरह का रूल नहीं, कोई अमेंडमेंट इस तरह की नहीं हुई है, इस तरह का चेक नहीं है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आप ये लेकर अगर आप आएंगे? आपकी बात एक गाड़ी मुझे यही मैंने रखी थी जुम्मों में रखी थी, अब मुझे वहाँ पे आना है इलाज के लिए आना है, दिल्ली में 10-15 दिन के बाद जाना है, तो इन द मीन टाइम क्या करूँगा? 300 नंबर प्लेट करना है मुझे, दैट आई अंडरस्टैंड, सर ने कहा कि नंबर प्लेट आपका चेंज होना है, यहाँ पे तो होना नहीं है, दिल्ली में होना है, तो थोड़ा सा टाइम तो दे दो मुझे यार, ताकि मैं इसको रिप्लेस करूँ। चलिए वही मेरा एक, चलिए तो इनका इनका जो कंसर्न है वो यही है कि थोड़ा सा टाइम जो है वो दिया जाए, हालांकि आज यहाँ पर ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है, और जो यहाँ पर कंसर्निंग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के जो यहाँ पर ऑफिसर हैं, जो यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, उनके द्वारा ये भी देखा गया कि अगर कोई सॉरी बोल रहा है और अपना ऑफेंस अगर मान रहा है तो उसको माफ भी किया जा रहा है, तो ये गुडविल गेस्चर है ट्रैफिक पुलिस द्वारा, लेकिन रूल्स को वायलेट ना करें। वायलेशन अगर करते हैं और उसके बाद अगर आप बहस करते हैं तो वो दो चीज़ें ऐसी हैं कि बवाल उसमें हो जाता है, आपको ही फॉलो करके चलना है रूल्स, और ट्रैफिक पुलिस एक ऐसी एनफोर्समेंट एजेंसी है जिसको वायलेटर्स को पकड़ना है, रोकना है,
तो ये दोनों चीज़ें हैं जिसका एक बैलेंस जो है वो बना रहे, लेकिन आज यहाँ पर ड्राइव चलाई जा रही है, लेकिन ये देखने को मिला कि जो सॉरी कह रहा है उसको माफ़ भी किया जा रहा है।